कौन बनना चाहिए? हमारा अखिलेश यादव बनेगा। चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री वाला बन सकता है तो भैंस तो 70,000 रुपया की आ रही है, चाय बेचे बाद चराए बाद दूध काटे बाद दुनिया दूध प्यारा है। अरे हमारे मुलायम सिंह जी ने तुम कैसी बातें करते हो? मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, उसका सोर्स नहीं बताया भाई साहब ने। चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए तो चाय वाले की प्रॉपर्टी देख लीजिए, इलेक्शन लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कह रहे बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, ये दम रद्दी है, योगी सरकार मुर्दाबाद। अच्छे इंसान पे इस तरीके की मुर्दाबाद बोलना ये बहुत गलत बात है। वो आज यूपी का नक्शा बदल दिया, आज वहाँ का किसान का प्राइवेट कांग्रेस सरकार में कई कई साल नहीं दिया जाता था, जब से योगी जी आए इधर गन्ना काट कर गिर जाता है, इधर उसका पेमेंट कर दिया जाता है। पहले कहीं उसका क्या ट्रैक्टर पलटा पड़ा है, कहीं बुग्गी पलटी पड़ी है, कहीं पानी नहीं था, जल नहीं था, घर नहीं था, सड़कें नहीं थी, रोड नहीं थे। ये जिसकी मुर्दाबाद की बात करें, अरे अखिलेश की सरकार भी रही है, प्रधानमंत्री भी 24 में विदा हो गए, क्यों परेशान हो रहे हो? कहीं अंति देखिए, प्रधानमंत्री बनेंगे ना 24 कैसे जाएंगे? इनने कोई काम नहीं किया सिवाय महंगाई के अलावा, इनने दूसरा कोई काम नहीं किया है। झूठ बोलने के अलावा इन पर दूसरी कोई बात नहीं आती है, और जो झूठ ही झूठ लपेट लपेट कर पतंग को बढ़ा देते हैं, आंधी आ जाएगी पूरा देश निच्चू हो जाएगा। मैं तो अपनी और हमारे युवाओं की चिंता है कि हमारा कैसे उत्पीड़न होगा, कैसे हमारा आगे कैसे उत्पीड़न होगा। नहीं नहीं कैसे नहीं, आपने कहा होगा उत्पीड़न। इसमें सुनिए, मैं मेरी जमान से निकल गया, हल्का इन द वाइट कंट्री डोंट नो रिकॉर्ड इन द कंट्री इज द फाइट। क्या जब बदलाव होगा तो शायद उत्पीड़न होता होगा आपका? सुनिए बदलाव होगा तभी तो उत्पीड़न होगा भाई, तभी उत्पीड़न होगा। अच्छा, मैं दोबारा इस बात को बता रहा हूँ, तुम्हें चिंता मतलब अब सही चल रहा है, आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा। आपने दो बातें पूछ लेते हैं आदमी की, एक बात इधर चली गई, आपने समझ ना पाए, मैं फिर बताता हूँ तुम्हें। बदलाव होगा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बदलाव होगा फिर उत्पीड़न होगा। उत्पीड़न तब नहीं होगा, उत्पीड़न अभी हो रहा है, आदमी भूखा मर रहा है अभी इस टाइम पे। क्या क्या कमियां लग रही है, क्या क्या कमियां मैं बता दीजिए, क्या क्या कमियां लग रही है, क्या क्या कमियां लग रही है? तेल 170 रुपए किलो हो गया। अच्छा, आटा 3500 रुपए के लिए हो गया, जो सेब बेचते थे जे भाई में। हाँ। जिस भाई में आटा बेच रहा है मोदी जी के राज में। अच्छा। श्रीमान जी, मीडिया तो मोदी जी की है। अच्छा। आप तो चार चार बार और कहेंगे। अच्छा। क्या कैसे उत्पीड़न होगा? हाँ। चिंता मत करिए, 24 में जब विदा होंगे। हाँ। और नहीं जाते समीकरण क्या रहने वाला है भाई? आप लेके जाओ एक बार ये भाई, समीकरण क्या रहने वाला है? समीकरण ये रहने वाला है, अब जो श्रीमान जी आए पहले ना इनका जवाब सुन लीजिए, तो मैंने बता तो अभी दूंगा कि आप कैसे क्या होगा। भाई साहब आपका क्या नाम है? बिट्टू नाम है। बिट्टू नाम जी, एज कितनी है आपकी? एज कितनी? 33 साल है। 33 साल है। मेरे 28 साल है। ठीक है ना, जब महंगाई थी हम छोटे बच्चे, सॉरी जब जैसी जैसे जैसे अमूल बढ़ती है ना वैसी महंगाई बढ़ेगी भाई साहब। समझे, मेरी उम्र जब मेरी उम्र थी 10 साल की, सिलेंडर आया 335 रुपए का, फिर 15 साल की उम्र हुई 370 रुपए का हुआ। बहुत बढ़िया, सुन तो पूरी बात सुन तो लो। फिर मेरी 20 साल की उम्र हो गई, सिलेंडर हो गया 500 कुछ रुपए का। फिर जब 23-24 साल की उम्र हो गई वो गया 700 कुछ रुपए का। आज 28 साल की उम्र है, 1070 कहाँ से महंगाई बढ़ी है यार? जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ उनसे, ये पूछिए पहले किसी व्यक्ति को जो ना, और वो सबको बोलने का हक दे रहा हूँ, एक आदमी से ना कहूँगा और सब व्यक्ति की। ये बताइए कौन बनना चाहिए आपके साथ? कौन बनना चाहिए? हमारा अखिलेश यादव बनेगा। अखिलेश यादव बनेगा, वो तो उत्तर प्रदेश चुनाव हार गए सीएम का, वो कैसे बन जा रहा हूँ? हाँ। योगी जी के एक अभी जो सांसद का चुनाव हुआ था जहाँ मुलायम सिंह जी खत्म हो गए थे। हाँ। मैनपुरी में 2,84,461 वोटों से जीती है। बताइए अगर इतिहास में कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा इनका कोई बीजेपी वाला जीता हो। कह रहे हैं कि मुलायम जी को श्रद्धांजलि दी है लोगों ने, तो डोर टू डोर जाके कैंपेन किया उन्होंने। अब पूरा भारत श्रद्धांजलि देगा मुलायम सिंह जी को, मैं गारंटी से कह देता हूँ। 2024 में हमारे अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री होंगे, हमारे मुलायम सिंह रक्षा मंत्री रहे। अच्छा, सीएम पद कैसे चला गया? सीएम पद कैसे चला गया जब इतना अच्छा काम कर रहे थे भाई साहब? सीएम पद ऐसा चला गया, थोड़ा परिवार में ही मामला जब बन बिगड़ जाता है ना। अच्छा। तो अपने अपने सब नहीं चले जाते हैं। अब ईश्वर की माया है सबकी बुद्धि। परिवार में मामला बिगड़ क्यों जाता है जब इतने अच्छे कैपेबल इंसान है जो चला रहे हैं सरकार को? ऐसा होता है, घर में दो भाई होते हैं ना। जवाब ले, एक सवाल है भाई साहब के लिए। स्वर्गीय श्री अखिलेश यादव जी जो पिताजी थे, क्या नाम है उनका? मुलायम सिंह यादव जी। उनकी इतनी ज्यादा संपत्ति कैसे हुई, उनका सोर्स क्या था, एक बार उनसे सवाल जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, जो लोग राजा के पद पे रहते हैं, चार्टर प्लान में कैसे आई इनसे पूछो आप। ऐसा है, अब जब अरे रुक जा संतले, मैं इनसे पूछूंगा, इन्हें जवाब भी ना दे पाएंगे, एक एक करके सुन ले, चिंता मत। सुनाओ सुनाओ सुनिए, जब ये कह रहे हैं कि भैंसे चलाने वाले मुख्य
मुख्यमंत्री बन गए। चाय बेचने वाले अगर प्रधानमंत्री वाले बन सकते हैं, अरे सुन लो, चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री वाला बन सकता है तो भैंस तो 70,000 रुपया की आ रही है, चाय बेचे बाद चराए बाद दूध काटे बाद दुनिया दूध प्यारा है। अरे हमारे मुलायम सिंह जी ने तुम कैसी बातें करते हो, आज जो हमारे देश के जवान है उनकी घर तक जाती है बॉडी, समझ रहे हो क्या? नहीं, हमारे माननीय मुलायम यादव जी ने कहा, अखिलेश यादव मुलायम, मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, उसका सोर्स नहीं बताया भाई साहब ने। चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए तो चाय वाले की आप प्रॉपर्टी देख लीजिए, इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास में उनका डेटा है, आप बताओ ना आपका इतने चार्टर प्लेन कहाँ से आया आपके पास? चार्टर प्लेन की बात वो भी बता रहे हैं, पहले ना वो बता दूं माइक कैसे छीना। माइक इसलिए छीन लिया था कि एक व्यक्ति ने ये कहा, अरे चलिए, एक व्यक्ति ने ये कहा कि माइक में करंट आ सकता है। समाजवादी के नेता वेता है क्या कोई? मैं किसानी भानु से प्रदेश संगठन मंत्री हूँ, आप जे देखिए मैं कोई सपा का नेता नहीं हूँ। ठीक, हम सच्चाई की बात करते हैं, गलत बात नहीं करते हैं, हम देश प्रदर्शन, हम जमीन, हम जमीन से जुड़े नेता हैं, हम अपनी रखवाली जैसे हम मेरे भाई हैं, इनका मुझे कोई बुरा ना लगे। नेताजी टिकट विकेट चाहते हैं नहीं अब की बार? कौन नेता? मैं टिकट नहीं साहब, मैं तो ऐसे ही मदद करूंगा अपने देश की, ऐसे ही करूंगा। जो मेरा किसान भाई कहीं भी परेशान होगा, चाहे वो 1 किलोमीटर पर हो चाहे 7 समुद्र पार हो, सिर्फ किसान भाई और कोई नहीं। किसान तो मेरे सभी हैं, आप भी किसी किसान के बेटे होंगे भाई? अरे समझिए नहीं, आप कल परसों से पढ़ लग गए तो सूट बूट में हम कोट पटन में आ गए। बाजरा होता है? बाजरा भी होते हैं, गेहूँ भी होते हैं। आप किसान, देखो ये किसान है, बाजरा कितने भाव बिक रहा है पूछो इनसे। बाजरा जो हमारा बेच रहा है वो 2,000 रुपए क्विंटल बेच रहा है साहब, मेरी भैंसिया काम है। खाती है ना, 1100 रुपए क्विंटल बिकता था भाई साहब 2014 से पहले, 2000 रुपए क्विंटल बिक रहा है गेहूँ। क्या भाव है पूछो जी भाई साहब? गेहूँ का किसान हूँ मैं, किसान हूँ। ये सरकार देखो कितनी अच्छी बात कहते हैं, वो जवाब दीजिए, आप बताओ रेट बताओ। अरे तो बढ़ाएगी तो सरकारी के, हम बढ़ाएंगे, हम तहसीलदार किसान। आप 2800 रुपए क्विंटल गेहूं बिक रहा है भाई साहब, 1500 बुका था 1500, मैं गांव से भाई साहब, खेत की जुताई होती थी 200 रुपए में, आज 800 रुपए लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? इसका जवाब क्या नाम हुआ आपका भाई? पेट्रोल बढ़ा, क्या नाम हुआ? दूध बढ़ा, मट्ठा में बढ़ा जीएसटी, ये कहां गया भैया? मैं किसान हूँ यूपी का, ठीक है, मैं बात तो क्या नाम हुआ, क्या नाम? मेरा युगली नाम है जी, मैं खानपुर मेजर रोड से रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं है, दमरद्दि है, योगी सरकार मुर्दाबाद, सुनिए। और इतने भ्रष्टाचार है, हमारे गाँव के किसान है कमालुद्दीन, उनकी जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया गया है और कोई छुड़ाने के लिए नहीं, 10-10 FIR हो गए हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं इसका वीडियो पेट्रोल भी दिखा दूंगा भाई, पेट्रोल डीजल की बात मैं इनसे सहमत हूँ, मैं इनकी बात से, मैं पेट्रोल डीजल की बात पे से इनकी बात से मैं सहमत हूँ। डीजल भाई साहब सुन लो यार, पेट्रोल डीजल महंगा है हिंदुस्तान में ही है क्या? आप मीडिया में हो, आप जानते हो हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल महंगा है, रूस सब जगह भाई पेट्रोल डीजल तू पैदा कर रहा है क्या मेरे भाई? दाल रोटी नहीं है, हम देखे अमेरिका वाला भाई साहब, दुनिया से बाहर हो जाएगा क्या? दुनिया में तो रहना पड़ेगा, वर्ल्ड तो है भाई। डीजल पेट्रोल कहाँ से पैदा हो रहा है? भारत में डीजल पेट्रोल पैदा हो रहा है? पेट्रोल डीजल भारत में पैदा हो रहा है क्या? रूस से मांग रहे हैं अपन, अमेरिका से ले रहे हैं, यूक्रेन से ले रहे हैं, जब वहाँ ऐसी सिस्टम हो रहा है कोरोना से। महंगाई ग्लोबल समस्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड की समस्या है, इंडिया की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है, पेट्रोल डीजल भी वहीं की समस्या है, तो महंगा तो होगा ही होगा, ये है सिस्टम। पूछ लेते हैं, एक मिनट, एक मिनट, नारे नहीं, नारे नहीं, नारे नहीं, नारे नहीं, किसी के भी नारे नहीं। हाँ जी भाई साहब, ये भाई साहब जिस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं वही उत्तर प्रदेश था जो कांग्रेस सरकार में किसान परेशान था, गोड्डो गोड्डो गारा रहता था, है ट्रैक्टर उनका। भाई साहब जरा खड़े होके सुनिए, आप सच्चाई को नहीं लगो सकते। सुनिए सुनिए, आप सुनने का साहस रखिए। आप एक एक अच्छे व्यक्ति पे, ऐसे ऐसे अच्छे इंसान पे इस तरीके की आप मुर्दाबाद बोलना, ये बहुत गलत बात है। वो आज यूपी का नक्शा बदल दिया, आज वहाँ का किसान का पेमेंट कांग्रेस सरकार में कई कई साल नहीं दिया जाता था, जब से योगी जी आए इधर गन्ना काट के गिर जाता है, इधर उसका पेमेंट कर दिया जाता है। पहले कहीं उसका क्या ट्रैक्टर पलटा पड़ा है, कहीं बुग्गी पलटी पड़ी है, कहीं पानी नहीं था, जल नहीं था, घर नहीं था, सड़कें नहीं थी, रोड नहीं थे। ये जिसकी मुर्दाबाद की बात करें, अरे अखिलेश की सरकार भी रही है, मायावती की सरकार भी रही है, क्या दिया उत्तर प्रदेश को? 100 साल पीछे पहुंचा रखा था। आज डेवलपमेंट देखे क्या किया है योगी जी ने, किया है मोदी जी ने, किया है। अरे
इतना अच्छा विकास किया है उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या किया है अखिलेश यादव ने जो बताइए भाई साहब? भैया अखिलेश यादव की जब तक सरकार थी बहुत अच्छा था, ठीक है, वो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जब से योगी सरकार आई है, पुलिस वाले हो चाहे ट्रैफिक वाले हो, हमें पकड़ लिए, हमसे 200 रुपए लेके हमें छोड़ दे रहे। अगर हमारा हमने जुर्म किया है हमें गिरफ्तार करो, हमारा चालान काटो, 200 रुपए जेब में डाले छोड़ दे रहे हैं। ये बात कर रहे हो उत्तर प्रदेश की, उसी उत्तर प्रदेश में माफिया थे, रात दिन पैदल इंसान नहीं चल सकता, लूट मार, परस चोरी, जेब कतरे, आज सब माफिया को जेल के अंदर डालने का काम किया है तो योगी जी ने किया है। कहा दिखाई दे रहा गुंडा दिखाई दे रहा? देखिए जेब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं इनकी बात से बड़ा सहमत हूँ, जे सत्य कह रहे हैं, मगर वो सरकार जो अखिलेश यादव की थी उसमें ये काम नहीं हो रहे थे। अब जे बीजेपी में जे लोग धुल के अपना काम चला रहे हैं, कह देते हैं बहुत अच्छी सरकार चल रही है, और सही ना समझ लिए कि इनका मामला बड़ा, रुक जाइए, इनका मामला बड़ा सतर रहता है। मैं आपसे आपके चैनल से माध्यम से कह दे रहा हूँ, इनसे ये कह दीजिए मुझे एक रोड गिना दें जे पूरे उत्तर प्रदेश में जे कहाँ भी रहते हो, मैं इनके 7 साल जाकर, मैं इनका 7 साल जाकर। भाई साहब बताइए रोड बता दीजिए आप कहाँ पे बने? अरे भाई जहाँ किसान के 12 तक रोड पहुँचा। मुल्ला जी एक मिनट, यू किसान नेता की बात कर रहा भाई, आराम से तमीज से भाई, किसान नेता की बात कर रहे हैं ना, बागपत जिले में सारे किसान नेता हैं, हमारे गांव के अंदर और बागपत जिले में 244 गांव आ रहे हैं, कांग्रेस ने गठबंधन से उकरा, उसका बाप, एक मिनट सुन लो भाई, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहेगा, जयंत चौधरी और उसका बाप अजीत सारे नेता बने, कोई रोड नहीं बना। ये रोड की बात कर रहा, जब से योगी आया ना रोड बन के देख लो, आओ मैं दिखाऊं, अरे नेताओं की बात कर रहा, ये किसान नेता की बात कर रहा, मेरठ एक्सप्रेस वे देखा है आपने? मेरठ एक्सप्रेस वे मैं बता रहा हूँ, लखनऊ एक्सप्रेस वे बताइए ना किन्ने बनाया है तुम यार? एक मिनट, ये पैरी फेल की, अरे सुनते ले, एक मिनट सुनते ले, एक मिनट, अरे रुक जा, अफारा काय को ले रहा है, एक मिनट रुक जा, पेरिफेरल एक्सप्रेस जो खेकड़ा वाला है मायावती के राज में बना, पास हुआ और अखिलेश यादव 18 करोड़ रुपए खा गया उसके, और बीजेपी ने बनवाया, बदलो पेरिफेरल की बात, अच्छी बात इनने कही, इन्हें मुझे बहुत अच्छा लगा, इनने कहा 18 करोड़, मैं जे कह रहा हूँ 18,00,000 करोड़ खाए जाए, वो हमारे और घर को खाए जाए, बने रत्ता तो बनाई दी, ऐसा तो ना करो, खाते रहे कोई दिक्कत नहीं आपको, खाते रहे कोई दिक्कत नहीं। अरे साहब इनने कह दी क्या, बने खा ले बेचारा, रोड बनाएगा भलो मानसो राज आओ तासू, मैं आपसे, ये हमारे केंद्र में सरकार जो रोड बन गए, आज हमारे केंद्र में सरकार ना होती तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बुरी होती। आप स्कूल में जाकर देखिए उत्तर प्रदेश के, पहले बच्चा बोरी पे टांट पे बैठता था, अरे ये योगी जी के काम है भाई। आप पत्रकार साहब सच्चाई को मत लगोइए, देश की जनता को दिखाइए, पहले स्कूल की क्या स्थिति थी, क्या स्थिति गाँव की थी, अरे पहले, आज पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पहले किसी पे कार नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, इतनी जागरूकता नहीं थी भाई, आपके पास कार आ गई, दिखाइए मुझे कार, तुझे क्यों दिखाऊं, तू कौन मेरी कार को देखने वाला, व्यक्तिगत नहीं, तख्त पर बात गरीबी है भाई, बदतमीजी नहीं, अमीर हो बदतमीजी नहीं, आप गरीब हो, आदमी अपने कर्मों से गरीब है, कर्म अच्छे कीजिए, मेहनत कीजिए, फल मिलता है। आप ये बताइए, रुके, एक मिनट, 2024 का आखिरकार किस तरीके से देख रहे हैं? कह रहे विपक्ष कह रहा है कि उनको अब की बार उठा फेंकेंगे, 2024 में अभी चुनाव करा लीजिए, जमानत जब्त कर दी जाएगी, नरेंद्र मोदी जी को जिता, अरे अखिलेश यादव बनने वाले, अरे भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, जमानत जब्त कर दी जाएगी, वो आप देखते रह जाएंगे, सपना देखता रह जाएंगे, वो हम मैनपुरी से चुनाव जीत जाएंगे, देश का चुनाव जीत जाएंगे मैनपुरी से, क्या बात कर रहे हैं, क्या है विकास किया उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ की जनता आप सबको भूल चुकी है, अखिलेश ने नहीं मिलेगा, जवाब नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, शिक्षा के बारे में इनसे पूछिए, 10वीं में कितनी क्या क्या होती थी, क्या बोलते हैं उसको, नकल होती थी, बोर्ड में कितनी नकल होती थी, आज शिक्षा का स्तर कितना है, ये पूछिए भाई सबसे, अब नकल होती है क्या, अब नकल होती है क्या, परिस्थिति, इनका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको सभी अच्छा लगा लेकिन जवाब अच्छा नहीं आ रहा, जवाब अच्छा बहुत टॉपर दूंगा, चिंता मत करो, आप जे कह रहे हैं आपको 24 का जवाब देता हूँ, भरा पूरा देता हूँ 24 का जनाब, आपने ये कहा कि कह रहे हैं मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे, क्या सवाल भाई, मेरा वही सवाल है जो आपके शिक्षा के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार होता था, पैसे लेके जो मार्कशीट मिलती थी वो अब बंद हुई या नहीं हुई, ये बता दीजिए। हुई नहीं हुई? इन्हें एक संतरा की गोली देता हूँ, जब सो जाएंगे बोलेंगे ना, इनसे पूछिए एक व्यक्ति 30 दिन में 50 रुपए कमाता है, 3 दिन में कितने कमा पेगा, इन्हें दिखा दो तब तक और बातें कर दे। सवाल का जवाब है, ये आप संतुष्ट हैं सवाल से? इस उत्तर से आप संतुष्ट हैं क्या? आप संतुष्ट हो तो बताइए कैसे, पूरा बताइए, खोल के बताइए। एक व्यक्ति 30 दिन के अंदर 50 रुपए कमाता है, 30 दिन के अंदर, हाँ 3 दिन में कितने कमावेगा, इनसे भी पूछो, इनसे भी पूछो, ये ज्यादा शिक्षा की बात कर रहे हैं। कॉपी पहल के पास भाई साहब बताइए। भाई साहब 2 लाख फर्जी फैक्ट्रियां बंद की हैं नरेंद्र मोदी जी ने, अवैध बूचड़खाने बंद किए हैं नरेंद्र मोदी मतलब योगी जी ने, ये क्या सवाल है? 50 रुपए कमाए, ये क्या गणित, ये क्या हो रहा है? ये सवाल है यहाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि शिक्षा के बारे में तुम्हारे वहाँ कितना करप्शन होता था, वो बताओ बस, नकल बंद हुई नहीं हुई है बताओ बस। इनका गणित इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो इतने एक मिनट में बता देंगे सवाल। आप देखिए, मैं 2024 आपसे पूछ लेते हैं, बताइए क्या हुआ? 5 रुपए कमा देगा श्रीमान जी 3 दिन में, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। आ गया भाई साहब। फिर उससे क्या हो रहा है? ये कमाई दमाई की बात कर रहे हैं क्या? इस जगह पे मैं शिक्षा के मित्र में, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ ना, कैमरे के सामने पूछ रहा हूँ। 25 में से 8 आए जो 50 आए बताओ, 25 में से क्या हटाए जो 50 आए? 25 में से क्या हटाए जो 50 आए? तू कहे तो रामायण लगाए थे भाई साहब, ई की मंत्र हटा दो 50 आ जाएगा ना। चलो, ई की मंत्र हटाओ 50 आएगा, पूछ रहे 25 लिखो उससे, ई की मंत्र हटाओ 50 ना आए तो बात करना मुझसे। भाई साहब बताइए, मैं 24 का जवाब दे रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, पहली खेलना बंद करिए, मुझे बताइए मुद्दे पर बात करिए। हो गया, देखो 24 का तो मैं जनता दिखा रहा हूँ, दिल्ली में 24 का जनता दिखा रहा हूँ। बोला अखिलेश यादव, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। ऐसे नहीं, आराम से काम होता है। अगर कोई किसी के ऊपर गाना बना देता तो उसको जेल हो जाएगी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नेहा राठौर के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ। और जब कोई मुस्लिम महिला हिंदू धर्म का गाना गा रही थी, उसको फतवे जारी हो जाते हैं। सही है, कोई सही नहीं। ये असल में आपसे बताऊं, 2024 के चुनाव का अगर आप ये निचोड़ और दृष्टिकोण जानना चाहिए, तो जो राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी है ना कांग, आप ये जानिए जनता क्या कहती है। जनता सर्वोपरि, जनता जनार्दन सर्वोपरि चाहती है, बीजेपी चाहती है, सिर्फ और सिर्फ। विपक्ष कह रहे हैं भाई, विपक्ष वाले हमेशा कहे थे सपा को तो सन 92 के बाद आना ही नहीं था, यूपी में तो बिल्कुल नहीं आना था गोलीकांड करवाने के बाद, लेकिन सपा आई, उसकी छवि तो तभी खराब हो गई थी। यहाँ जानते हैं जनता के विचार कुछ अलग ही है। एक पार्टी चली गई, बसपा अपनी खत्म हो गई, ये हमारे व्यक्तिगत विचार है। गोलीकांड की बात करिए, गोलीकांड की बात बताइए। मैं बता रहा हूँ श्रीमान जी, सुनिए, जब राम मंदिर पे गोली चली थी तो सबसे पहले एक यादव का ही बेटा खत्म हुआ था उस गोली से। बात जातिवाद की नहीं हो रही है यहाँ पर, गोली चली क्यों थी, बात उस पर बताइए मुझे। सुनिए, मुलायम सिंह यादव जी ने चलवाई थी, ये हमारे रक्षा मंत्री थे, चाहे वो यादव थे चाहे कोई भी थे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन गोली चली क्यों थी मुझे ऐसा है। जब अपने लोगों के बीच कोई दंगा भड़का देता है, सत्ता में कोई राजा बैठा हो तो मामला उसके ही ऊपर जाएगा। भाई जो जैसे मोटरसाइकिल चला रहा हो, एक्सीडेंट हो जाए तो उससे ही कहेंगे अरे पीछे वाले थे, तो कोई ना कहेगा कि तू चला रहा था कि नहीं चला रहा था। देश का अगर राजा बैठा हो, आपके अगर बात कर ले सनातन धर्म की, तो उसके लिए आपके क्या मायने हैं? मायने मैं तो ये कहता हूँ साहब, हिंदू हैं सब लोग, बड़े खुशी मंगल से रहना चाहिए, सिख ईसाई भाई, मैं तो मुसलमानों को भी बड़ा छाती से लगा के प्यार देना चाहता हूँ। अखिलेश यादव जी का बयान था कि कोई भी जो है पेड़ हो उस पे लाल कपड़ा रख दीजिए वो मंदिर बन जाएगा, वो ऐसा होता है चक्कर जो हमारे ये हिंदुस्तान कैसा होता है मैं बता रहा हूँ। इस तरीके की बातें करके ना अखिलेश यादव जी के भाव शुद्ध हो रहे हैं, अब उनको ये सत्य लगने लगा है कि हिंदुस्तान में सनातन जो सत्य शुद्ध है, जो सत्य है वो अब दिख रहा है उनको, यही आना चाहिए, यही होना चाहिए। बीजेपी का जो रंग है वो सत्य ही है, शुद्ध है, सनातनी है, भगवा है। फिर बीजेपी वाले भगवाधारी हैं क्या? और भी तो बहुत है, और भी भगवाधारी हैं जो देश हित या राष्ट्र हित में काम करे या बात करे,
बस वही आना चाहिए। बीजेपी राजनीति में काम करती है। इस टाइम पे आप किसको किस किस पार्टी को कहेंगे? कांग्रेस पार्टी 70 साल सेवा कर ली, सभी जानते हैं कैसी की। अब इन्होंने उसकी कही, सपा की मैंने आपको बता दी। बसपा जी बुआ जी के ऊपर कुछ कहूंगा नहीं, लोगों की बहन हमारी बुआ, पापा की बहन लगती है। अब आपको बताऊँ आगे आके, अब देखिए, अब लास्ट बात सुनिए। केजरीवाल जी के लिए कॉपीराइट आएगा। आम आदमी पार्टी की अगर बात करूं तो आम आदमी पार्टी की छवि पिछले 26 जनवरी के पहले, जो बीता हुआ 26 जनवरी है, उसके पहले मेरे दिल में बड़ा अच्छा था कि हाँ, हो सकता है मोदी जी के ना रहे, मतलब ये सत्ता छोड़ने के बाद एक बंदा तो दिख रहा जो देश के लिए कोई कार्य करेगा। वो कौन दिख रहा था? दिख रहा था तब केजरीवाल मुझे, लेकिन वो मुझे बाद में पता लगी कि वो मेरी भ्रांति थी, वो गलत सोच थी मेरी, क्योंकि वो बंदा जिसने 26 जनवरी को जो कहते हैं ना तिरंगे का जो अपमान किया है, इनकी सरकार में हुआ है, दिल्ली जैसे राज्य शहर में, राज्य में, ये जान लीजिए। ये फिर जब एक राज्य को नहीं संभाल पा रहे हैं तो कल अगर इनको देश की सत्ता दी गई तो हर राज्य में यही हाल होगा। मैं नहीं चाहता, देश की सत्ता बागडोर उसी के हाथ में देनी चाहिए जो भारत भूमि, भारत माता की अखंडता और प्रभुता की रक्षा कर सके। ये रक्षा करने वाला सिर्फ 56 हिंद की सेना वाला हो सकता है, जो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं, मानते हैं आप? अरे कभी ना मानेंगे साहब, मर जाएंगे तो ना मानेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री को क्या मानेंगे। हमारे खेत है, हल हम चला रहे हैं, घूमत भी करेंगे साहब। ये तो कछु जानते ना का पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे हैं। आपसे कहूं कि एजुकेशन के एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तो ये बात ही ना करें, उसमें ये आगे जा नहीं सकते। अगर मैं हिंदू का ब्राह्मण हूं, ये शास्त्रार्थ कर लें, अगर धर्म पे आ जाएं, किसी भी हिंदू सनातनी के जातिवाद मत करिए। ये जो कर रहे हैं, ये जो पढ़ाई की जो बात की, ज्ञान में आपसे बताते ना, धरती वीरों से खाली नहीं। इनको एक और भ्रांति है कि दुनिया में अकेले वीर हैं जो हर विषय के बारे में पूर्णज्ञ हैं। पूर्णता तो किसी को प्राप्त नहीं हुई है, पूर्णता आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई, तो इन जैसे बेवकूफों को क्या प्राप्त होगी? ये इनकी छोटी सोच का और इनकी जो कहते हैं ना कि ये कितने ज्ञानी हैं, इसका दृष्टि तो यहीं से आप देख लीजिए, ये दिखा रहे हैं वो प्रकाश में। देखिए जे बड़े अच्छे से कह रहे हैं क्राइम क्राइम वाले, हम तो अपना इधर सुनो, साथ में लेके चलते हैं कागज वागत के, हम कितने अच्छे हैं कितने अच्छे नहीं है ना। उधर से कह रहे हैं कि शास्त्र में आ जाइए, मैं एक ब्राह्मण का चेला हूँ, इनका मन हो जाए तैसे आ जाए, चाहे धरती पे आ जाए, आप जातिवाद करने लगे। इनने कहा साहब, तब कह रहे हैं उनको मना कर दिया ना, मैं आपको भी मना कर रहा हूं। मैं तो पांचों मुट्ठी को एक मानता हूं, चाहे मेरा चाहे छोटा भाई हो चाहे मेरा बड़ा हो, भाई भाई होता है, मगर प्रधानमंत्री 24 महीने आएंगे, आप टेंशन ना करें। वो कह रहे नहीं आएंगे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, 24 में जरूर आएंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितने कार्य किए हैं वो सब राष्ट्रहित और देशहित में रहा है। जानते हैं अभी तक सिर्फ एक, अगर आप कहें, ये जाति की बात नहीं करूंगा लेकिन व्यक्तिगत विचार है, एक चीज कहा जा रहा था कि हो सकता है 24 के इलेक्शन के पहले इस टाइम जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, कुछ लोग, आपको सत्य बताऊं ना, मैं उनको अनुयायी भी नहीं कह सकता क्योंकि सनातन के, क्योंकि ये चीज ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने क्या कहते हैं ना कि जो मस्जिदें तुड़वा के दोबारा मंदिर बनवाने की जो बात चल रही थी, मैं एक आम नागरिक होकर नरेंद्र मोदी जी सरकार से ये जान लीजिए आग्रह करूंगा कि जो काम बादशाह औरंगजेब ने करवाई थी वो काम आप ना करवाइएगा कभी भी, वरना आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। आज उन्होंने जो बादशाहों ने काम किया था उसी की वजह से आज इस्लाम की छवि आम जनता, आम के नागरिकों के मन में वो कहीं ना कहीं से धूमिल हो चुकी है, वरना जो हुजूर पाक या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की सोच थी वो इस्लाम पवित्र पाक था। वो काम अगर अब मस्जिद तोड़ के जो अब बन चुकी है, पहले जानते वो गलती उन्होंने की थी कि हिंदुओं की जहाँ वो पूजा इबादत या वो करते थे सजदा उस परम खुदा परमात्मा की, उन्होंने तोड़ के मस्जिद बनवा दिया था, ठीक है, वो सत्ता में आए थे, शासनी थे, राजा थे, वो काम आप कह रहा हूँ अब अगर वो तोड़वा के ज्ञान व्यापी मंदिर या कृष्ण आप समझिए सत्यवाद कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, अगर ये मस्जिद तुड़वा के आप वहाँ पे अब मंदिर फिर से बनवाने की अगर बात करेंगे, आप सत्ता के प्रमुख मतलब मालिक हैं, तो आप उन छोटी सोच वालों को इस चीज़ को समझाइएगा कि ये गलती, मैं फिर बार बार कहना चाहूँगा कि जो बादशाह अकबर ने की थी वो आप न औरंगजेब ने वो आप न कीजिएगा।